नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करछु मु चिन्मय प्रथमे हेडलाइंस G7 समिति को प्रधानमंत्री संबोधन एक विश्व एक स्वास्थ्य मंत्र देले मोदी बैठक में सामिल हेले विश्वर सात बड़ आर्थिक शक्ति महामारी बेले भारतर सहयोग को सबु राष्ट्रर प्रशंसा जीएसटी परिषद बैठक में अर्थमंत्री बड़ निष्पत्ति ब्लैक फंगस मेडिसिन हेला टैक्स मुक्त कोविड सामग्री उपरु टिकस कमाइला केन्द्र 40 मेडिकल डिवाइस उपरु जीएसटी ह्रास मलकानगिरी में माओवादी टिफिन बोमा तीन टिफिन बोमा को उद्धार कले जवान आंध्र ओडिशा सीमार नक्सल षड्यंत्र असफल छस स्वाभिमान अंचल 20 रु अधिक बोमा उद्धार नकली कोरोना मेडिसिन को नहीं बढ़िला चिंता कटक पर संबलपुर और राउरकेलू मेडिसिन जबत राज्य स्वास्थ्य विभाग तत्परता उपरे उठला प्रश्न द्वंद्वे युक्त दुई छात्र छात्री केमी हेब मूल्यायन विशेषज्ञ कमिटी पाखे कौन रही विकल्प मत रखिले शिक्षाविद और छात्र संगठन निष्पत्ति को राज्यर 3.5 लाख छात्र छात्री अपेक्षा कोविड्रे होते मृत्यु नयागढ़ आसला सांघातिक तथ्य चांदपुर कोविड केयर हॉस्पिटल रे कोरोना मृत्यु को नहीं अड़ुआ जिला प्रशासन गणमाध्यम को जिलापा ताली पका जवाब अनलॉक मुहा ओडिशा 5% ते संक्रमण हार जिले में कोहल हेब कटक एबी 5 जिले में पॉजिटिव रेट 10% रु अधिक कटक भुवनेश्वर जारी रहीपे लॉकडाउन देशे सफल केंद्रर योजना आकांक्षी जिला कार्यक्रम को यूएनडीपी प्रशंसा विश्वर अन्य देश अनुकरण सुपारिश स्वास्थ्य पुष्टि साधन और मां मुकाबलें मलकानगिरी को बड़ सफलता एथर संपूर्ण खबर कोरोना काल में G7 समिति को संबोधन करिछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम रे जोगदे प्रधानमंत्री मोदी एक विश्व एक स्वास्थ्य मंत्र G7 समितिर प्रथम पर्याय बैठक अनुष्ठित विश्वर सात बड़ आर्थिक शक्ति एही बैठक में सामिल होती मोदी स्वास्थ्य मंत्र को विशेष भाव में उल्लेख करने दृढ़ समर्थन करिछंती जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल यहसह फ्रांस राष्ट्रपति ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री मोदी संबोधन को प्रशंसा करिछंती महामारी बेले G7 और अन्य राष्ट्रों द्वारा भारत को मिलता समर्थन को प्रधानमंत्री मन पकाई यहसह विश्व स्वास्थ्य क्षेत्र में सामूहिक प्रयास द्वारा उन्नति अणाई बोली प्रधानमंत्री चौरालीसतम जीएसटी परिषद बैठक अनुष्ठित अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण के अध्यक्षतारे बसिथिबा जीएसटी काउंसिल बैठक में कोविड सामग्री उपरु टिकस ह्रास पाई गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति निया जाइछि कोरोना सह जड़ित सामग्री उपरे मंत्री समूह करिथिबा सुपारिश को आज जीएसटी काउंसिल स्वीकार करछि ब्लैक फंगस औषध को टैक्स मुक्त करा जाइथिबा बेले कोरोना टीका उपरे पूर्वरु थिबा 5% टैक्स को बलवत्तर रखा जाइछि कोरोना सहित जड़ित जो सामग्री गुड़िक उपरे टैक्स ह्रास करा जाइछि ता मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन ऑक्सीजन इंजेक्टर वेंटिलेटर बायपेप मशीन हाई फ्लो नजाल फुलना एवं कोविड टेस्टिंग किट जीएसटी काउंसलिंग एही सबु सामग्री उपरे लागू होइतिबा 12% टैक्स को ह्रास करी 5% करिछंती एहा सह एम्बुलेंस उपरे 12% जीएसटी लागू हेबो बोली अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सूचना दैछंती आसवा पाणीपाग संपर्कित खबर को राज्य में लघुचाप प्रभाव में वर्षा बढ़ी गत 24 घंटा भितर उपकूल ओडिशा रे अधिक वर्षा होता बेले शनिवार संध्यारु अनेक स्थान रे वर्षा लागि रही आसंता 24 घंटा भितर लघुचाप घनीभूत हो अवपात रूप नहीं पारे आसंता 14-16 तारीख जाए यह ओडिशा रे ऊपर रहिबो यहसह उत्तर ओडिशा रे बैतरणीय सुवर्णरेखा नदी फुलिपे शनिवार 23 जिला को मौसुमी छुईता बेले आज 24 घंटा भितर
बाकी सात जिला को मौसमी छुईब। अन्यपटे प्रबल वर्षा रे भुवनेश्वर कटक बेहाल होईछि। शनिवार संध्यारो ट्विन सिटी प्रबल वर्षा सह घड़घड़ी रहितला। दीर्घ समय पर्यंत वर्षा लागि रहितबा बेले तळिया अंचल गुडी करे पानी जमिछि। फळरे ड्रेनेज व्यवस्था को नै पूर्णि प्रश्न उठिछि। लोकमाने रास्ता उपरको आसी रास्ता सफा करितबा देखिबाकु मिलिछि। मौसमी वायु सक्रिय होइतिबारु एबे राज्य रे वर्षा लागि रहिछि। किछि स्थान रे प्रबलरु अति प्रबल वर्षा हेबार आशंका रहिछि। मालकानगिरी माओवादी टिफिन बोमा तीन टिफिन बोमा को उद्धार कर अकामी कले जवान। शनिवार नक्सलों प्रयास असफल हो। स्वाभिमान अंचल जनता पाइरे नाइन्थ बाटालियन बीएसएफ और जिला पुलिस सह मिलित ऑपरेशन करितला। पेट्रोलिंग समय आंध्र ओडिशा सीमार चिंताल नलार और मांदापाली जंगल मझे बोमा मिलता। मेटाल डिटेक्टर जांच करुवा बेले माओवादी संयंत्र धरा पड़ा। तेज बोमा को उधार कर सुरक्षित भाव उधार कर मझी जंगल निष्क्रिय करते जवान। गत छमास जवान मैंने स्वाभिमान अंचल 20 अधिक बोमा उधार कर सारी। तबे संपर्क में अधिक सूचना पाई आम सहित जोड़ी आम प्रतिनिधि विक्रम स्वाई जोड़ी होती। विक्रम, वर्तमान मालकानगिरी में पुणी थे माओवादी कांड देखा मिलूँ, कारण जोबले जे पुलिस डिपार्टमेंट हूँ कि बाटालियन तरफ जिते कड़ा प्रहरा दिगले भी माओवादी मैंने कौटिना कौटि एवं से स्थान में सक्रिय रोचे। अपडेट कौन आसूरी बास्तविक कौन कहते बाटालियन रो अफिसर मैंने अच्छा विक्रम सुनी पार्टी मालकानगिरी रे वर्तमान माओवादी टिफिन बोमा मिली कौन अपडेट आसुची? तो मालकानगिरी में माओवादी टिफिन बोमा जमत तीन टिफिन को बोमा को उद्धार करी जवान माने। शनिवार नक्सल नक्सल का यह प्रयास असफल हो। स्वाभिमान अंचल जनता पाइरे नाइन्थ बाटालियन बीएसएफ और जिला पुलिस मिलित ऑपरेशन करितला। पेट्रोलिंग समय आंध्र ओडिशा सीमार चिंतालनार और मांदापाली जंगल मझे बोमा मिलता। मेटाल डिटेक्टर जांच करुवा बेले माओवादी षड्यंत्र धरा पड़ा। तेज बोमा को उद्धार कर सुरक्षित भाव उधार करा करपर मझी जंगल रे ताकु निष्क्रिय करते जवान। तबे पुणि थे आम सहित तो जोड़ी होती आम प्रतिनिधि विक्रम स्वाई जोड़ी होती। विक्रम, अपडेट कौन आसुची? श्रीमा देखु, स्वाभिमान अंचल में आंध्र ओडिशा बॉर्डर जोनाल कमिटर सदस्य मैंने आक्टिव रही सहित जिते बेले पुलिस और बीएसएफ बाहन मिलित उद्यम गोटे पर गोटे गड़ अक्तिर होवार लगी दृष्टि रखी माओवादी मैंने सब वाले सुरक्षा बाहन क्षति पहुंचा चेषा करती। बारंबार एमती टिफिन बोमा लैंडमाइन खंजी था जहाँफल कि कुमिंग अपरेसन समय सुरक्षा बाहन को क्षति पहुंचाई कि गोटे पर गोटे उद्यम से विफल हो सहित जिते बड़े कुमिंग अपरेसन को जोरदार कर अंचल से विभिन्न जगार विभिन्न समय व्यापक परिमाण माओ सामग्री किंबा टिफिन बोमा गुड़िया जबत होती है। गोटे कथा कह जिते बड़े आगे को बर्षा आसूसी सुरक्षा बाहन कुमिंग अपरेसन कम अपरेसन कम माओवादी मैंने यही समय निजक आक्टिव करते आक्टिव करने को उद्यम करेंगे ता सहित किसी लोक आक्रमण करवा लोक क्षति पहुंचा चेषा करने सुरक्षा बाहन क्षति पहुंचाए जहां अनुमान निश्चित भाव में। विक्रम, कितु जेहेतु टिफिन बोमा किसी मिली जो कथा कहु मेटाल डिटेक्टर जांच बेले माओवादी षड्यंत्र धरा पड़ा वास्तविक भाव में वर्तमान बीएसएफ बाटालियन पुलिस जो मैंने रही कौन प्रतिक्रिया रखुंट अधिक किसी खोलताड़ कर तदंत कर कि आउ के जगह में विस्फोरक से रखी थी पारती आउ कौन सब प्लानिंग कर षड्यंत्र कर सब विषय किसी वर्तमान तर्जमा तदंत हो
ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚିନ୍ମୟ ଯଦି କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଜନତା ପାଇଁ କ୍ୟାମ୍ପର ଯୋଉ ନାଇନ୍ଥ ବାଟାଲିୟନ୍ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଅଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଏସ୍ଓଜି ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମିଳିତ ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା ସେ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡର ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଥିଲା କାହିଁକି ନା ଏଇ ସମୟରେ କିଛି ଛତିଶଗଡ଼ ମାଓବାଦୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଛି ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅପରେସନ୍କୁ ଜୋରଦାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଅପରେସନ୍ କରାଯାଇଛି ତା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲର ସଚେତନ ଜାରି ରଖାଯାଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ୍ ବାହିନୀ ତିନୋଟି ପଠାଯାଇଥିବା ଯାହା ନଦୀରେ ଆସିଯିବା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳୁଥିଲା ଆମ ସହିତ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୁମିଗ ଅପରେସନ୍ ଜୋରଦାର କରାଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ କିଛି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଜାଗା ମିଳିଥିଲା ସେଇ ଜାଗାରେ ମେଟାଲ ଡିଟେକ୍ଟର ସାହାଯ୍ୟରେ ଛାନ୍ଭିନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ପାଇବା ମିଳିଥିଲା ତିନୋଟି ବଡ଼ ଟିଫିନ୍ ବୋମା ଯାହା ମିଳିଛି ତା ସହିତ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ତାକୁ ଡିଫ୍ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିକ୍ରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ର ଯୋଉ ଯବାନ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ କିଭଳି ଇଏ ଯୋଉ ମାଓବାଦୀ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ଉଠିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକୁ ବିଫଳ କରାଯିବ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ କଟକରେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ 5 ଫୁଟର ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ବର୍ଷା ପରେ ଧସି ଯାଇଛି ରାସ୍ତା କଟକ ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର 7 ମର୍କତନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏଠାରେ ସ୍ୱେରେଜ୍ କାମ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ପରେ ରାସ୍ତା ଧସି ଯାଇଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ଖେଳିଛି ସେପଟେ ଘଟଣା ପରେ କେବଳ ବାଲି ପକାଇ ଚାଲିଛି ପ୍ରଶାସନର ତାଳିପକା ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ କଟକରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଇମ୍ରାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି କାରଣ ଭିଜୁଆଲରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆସୁଛି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଯେ ରାସ୍ତା ଦବି ଯାଇଛି ବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ସେଠାରେ ଚିନ୍ମୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ଷା ପରେ କଟକ ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର 7 ମର୍କତନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ 5 ଫୁଟର ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଗର୍ତ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭିଜୁଆଲ ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପାଖାପାଖି 5 ଫୁଟର ଏଠି ବଡ଼ ଗର୍ତ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ବର୍ଷା ପରେ ଏକ ଛୋଟିଆ ହୋଲ୍ ରାସ୍ତାରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବା ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେ ବର୍ଷା ପାଣି ତା ଭିତରେ ପଶିକି ରାସ୍ତା ପାଖାପାଖି 5 ଫୁଟର ଧସି ଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସାମ୍ନାରେ ଘର ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସିଡିଏ କଟକର ଯାହାକୁ ଆମେ ଭିଆଇପି ଅଞ୍ଚଳ କହୁଛୁ ହେଉଛି ସିଡିଏ ସେକ୍ଟର 7 ମର୍କତନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲି ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଠି ଭୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶିଯାଇଛି କାହିଁକିନା ଗତ ବା ଖାସ କରି ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ସ୍ୱେରେଜ୍ କାମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍ୱେରେଜ୍ କାମ ହେବା ପରେ ଯେହେତୁ ଗତକାଲି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା ଏ ବର୍ଷା ପରେ ପରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ହୋଇଛି ଏବଂ 5 ଫୁଟର ଏଠି ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ କି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୟ ପଶିଛି କାହିଁକିନା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବା ସ୍ୱେରେଜ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ କେବଳ ବାଲି ପକାଇକି ଏଠି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଏହାର ଯେଉଁ ନିରାକରଣ କରିବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁନି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ଏଠି ହୋଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି 5 ଫୁଟର ପାଖାପାଖି ଗତ ହୋଇଯାଇଛି ତଳେ କେବଳ ମାଟି ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ୱେରେଜ୍ର ଯେଉଁ ଚାମ୍ବର ଅଛି ସେ ଚାମ୍ବର କେବଳ ଦେଖାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାଲି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସେଠି ଫିଲ୍ କରିବା କଥା ବା ବାଲି ସେଠି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା କଥା ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠି କରାଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ କେବଳ ଏହା ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପାଖାପାଖି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ସେ ହୋଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି ବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ଯଦି ଦେଖିବା ଯଦି ବର୍ଷା ଅଧିକ ହୁଏ ତାହେଲେ ରାସ୍ତା ଆହୁରି ଧସିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ରହିଛି ଆମ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ଏଠିକାର ତାଙ୍କଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ରହିବ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେହେତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଗର୍ତ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେଉଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣା ଘଟିଛି ବର୍ଷା ପରେ କାଳେ ରାସ୍ତା ଧସିଯାଇଛି କ'ଣ କହିବେ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ହ୍ୟାଲୋ କ'ଣ ସାର୍ କହିବାର କାରଣ ଏହିକି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ୱରେଜର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସ୍ୱରେଜ ପାଇଁ ସିଡିଏ ଭିତରେ ବହୁତ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱରେଜ ଏବେ ସ୍ଥାଣୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କାଲି ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ PWD ଜୁନିୟର SDO ଯେଇ ସେମାନେ ଆସିକିନା ଆସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ଆଉ ଦୁଇଟି ବାଲି ବି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ପକାଇକିନା ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କର ସ୍ୱରେଜର କିମ୍ବା CMC ତାଙ୍କର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୁଇ ଜଣ ଟଣାଟଣି ଭିତରେ ଆଉ CDA ଅଧିକାରୀ ଆମେ ହୀନତା ହେଉଛୁ ତେଣୁ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଆଉ ଏ ଘଟଣା ପ୍ରଥମ ଥର ହେଇଛି ନା ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ନା କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଘଟଣାଟା ଏମିତି ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ୱରେଜ କାମ ଏଠି 5 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା ତ ଏଇଭଳିଆ କିଛି ହେଇନଥିଲା ହେଲେ ଏବେ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମାସ ହେବ ଏ କୁଣ୍ଟଟା ଏମିତି ନଇଯାଇଥିଲା
तो तापर कंप्लेन थोड़े दिखाई थी म्यूनिसिपैलिटी वाला तो से किसी स्टेप नहीं ना तो तापर तीन दिन है धीरे धीरे दबिला बेल आसाला तो का बर्षार पूरा एत बड़ा गात थी तो आप देख तो ये भी गात धीरे धीरे लंबिले बड़ा बड़ा तो स्टेप न ना एक्चुअली पूरा जगटा ही करदे तो आप कौन बाली खबर फिलिंग जगह भितर गात तो सू ना प्रोब्लेम हम आगे किसी स्थानीय प्रसिद्ध अच्छा ये जो घटना बारंबार घटू जितेबाड़े डिपार्टमेंट विभाग भितर समन्वय रोनि आपठी मसक बिल दूसरी जोटा आप दबा कथा टैक्स दूसरी कितना जितेबाड़े ये घटना घटू समाधान सठिक भाव में सही ठीक समय रही पार आज्ञा देखो सी डी ए जो मैंने कम करट्राक्टर मैंने भल से कम करना आज्ञा खाली बाली पकईक एस पी सी चढ़ेदे कौन सी केत लास्टिंग कर मजबूत कम है यह परिस्थिति उपजीवन तेणुक आम दयाक आम एस एम सी को कौचु एक कमटा भलसे हो जोटा कि स्थानीय बासिंदा बारंबार छोट पा अच्छा घर एम जमी सफर न हूँ दयाकोरी कामटा शीघ्र कर दिंतु आम एति अनुमति कर जो चिन्मय आप प्रतिक्रिया शुणुले स्थानीय बासिंदा जो मैंने रोचे और जो अभोग रोचे जे विभाग रही सी एम सी हूँ स्वेरेज हो पीडब्ल्यूडी हो भितर सठिक भाव में समन्वय रोनी जहाद्वारा कि यह भाव में लोक मैंने असुविधार सम्मुखीन होती जदि कौन दुर्घटनाटे घटी जाए बर्तमान दायी किए हम उत्तरदायी किए हम सब बड़ प्रश्न बर्तमान सृष्टि कर निश्चित भाव में इम्रान बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर तमाम सूचना इम्रान जोड़ी होते कटकु और सीडीए जो भाई भाव में बर्तमान एक बड़ घटना घटवर बर्ती जाइंट स्थानीय लोके कारण से बड़ गर्त सृष्टि बर्षा फल कौटिना कौटी सीएमसी कार्यकर्ता नहीं बड़ प्रश्नवाची सृष्टि तो समय आउ एक छोट ब्रेक रो ब्रेक पर स्वागत राति पाहिले रज हेले आजि सजबाज मुहरे चंदन टिपा पादरे अलता नखरे नेल पॉलिश हातरे मेहंदी लगाई सजेई होइथांती कुआरी कन्या ए वर्ष किंतु कोरोना प्रतिबंधक साजिछि एथरो झियो माने एकाठी बसी सजबाज होई परिबे नाही एकाठी दोळी खेली परिबे नाही आंबो तोटारे दोळी लागिबो नाही कि गां पडियारे कबाडी खेल हेबो नाही निज निज घरे रज पर्व पाळिबे समस्ते बरसके थरे आसीथाय एही गणपर्व एही पर्व को ग्रामांचल ठु आरंभ करि सहरांचल पर्यंत प्रतिटि ओडिया परिवार बेस धूमधाम रे पालन करिथांती ओडिया पर्वपर्वाणी रे रजर स्वतंत्रता रही रज तीन दिन पिठापड़ा दोली खेल रे दुलुकी थाए पूरापल्ली हेले एथर कोरोना महामारी सब बिगाड़ी देछि महांगा ब्लॉक गोतरा गाँव ये दृश्य अभावन दृश्य सतुरी वर्षीय वृद्धा निस्तपक माड़ मारुछंती किछि लोक एक बिजुली खुंटरे बांधि तांको माड़ मारुथिबार वीडियो एबे सोशल मीडिया रे वायरल हेबारे लागिछि महांगारे कंगारू को बिजुली खुंटरे बांधि वृद्ध को निस्तुक माट महांगा ब्लॉक गोतरा गाँव में दृश्य विचलित कला भली सतुरी वर्षीय वृद्धा निस्तुक माट मारुछंति किछि लोक काली सेतिक नुहे तांको घरे पशि भंगारुजा भी करुछंति सूचना अनुसार गोतरा ग्रामर कार्तिक चंद्र साहू को एक छेली मरी पड़ा देखा मिलता से सन्देह से ही गाँव जन सतुरी वर्षीय वृद्ध गौरांग राउत को गाँव किसी लोकों सहयोग में एक बिजुली खुंटे बांधि निस्तुक माड़ मारे जार भिड ए सोशल मीडिया भाइराल होबार लगी आतीक्रे मन शांति हलानीजे घरे वृद्धा को मध्य माड़ मारी घरे अनेक जिनस भंगारुजा करते परवर्त समय पुलिस खबर पाई घटनास्थल में पहुंची वृद्ध दंपति द्वय को सेठार उद्धार कर निश्चित कोईली गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कर वृद्ध दंपति को माड़ मारे कार्तिक साहू छेली मृत्यु अभियोग नहीं महांगा थाना अभियोग करते संपृक्त वृद्ध दंपति मेडिका फेरी महांगा थाना द्वारस्थ हो अभोग करते पुलिस उभय अभियोग को रखी तदंत आरंभ कर समस्त बुलेटिन को एठ रखुछु नमस्कार।